Hello class, today we will do exercises of chapter 8, we need a house. Exercise A, take the correct answer. यहाँ पर कुछ questions दिए हुए हैं, उनके 3 options दिए हुए हैं और आपको correct option को क्या करना है, tick करना है. We feel and dash in a house. हम अपने घर पर सेफ फील करते हैं, वी फील सेफ एंड डैश इन आवर हाउस. अपने घर पर सेफ फील करते हैं और कैसा फील करते हैं, अनइजी नहीं, अनसेफ बिल्कुल भी नहीं, कंफर्टेबल है ना. हम अपने घर पर सेफ एंड कंफर्टेबल फील करते हैं, तो यहाँ पर आप टिक करेंगे. नेक्स्ट, अ कच्चा हाउस इज ऑल्सो कॉल्ड अ, जो कच्चा हाउस होता है उसको और क्या बोलते हैं, हट, बंगलो एंड फ्लैट. तो फ्लैट तो जो मल्टी स्टोरी जो बिल्डिंग्स होती हैं दैट आर कॉल्ड फ्लैट्स, बंगलो बड़े जो पक्का हाउस होता है दैट इज़ कॉल्ड बंगलो, एंड हट, हट बोलते हैं जिसमें कि जो सूखी घास या पत्तों से जो बने हुए घर होते हैं दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कच्चा हाउस. हाउस इज मेड ऑफ वुड आर कॉमनली फाउंड इन, जो लकड़ी के बने हुए जो घर होते हैं ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं, हमने चैप्टर में पढ़ा था. दीज टाइप्स ऑफ हाउसेज आर फाउंड इन हिली एरियाज, हिली रीजन्स. विच ऑफ द फॉलोइंग हाउसेज हैज़ डोर्स एंड विंडोज मेड ऑफ ग्लासेस, किस टाइप के जो हाउसेज होते हैं उनके अंदर डोर्स और विंडोज हमें देखने के लिए मिलते हैं, कच्चा हाउस, पक्का हाउस और हट. देखिए हट में तो विंडोज होती हैं लेकिन ग्लासेस की विंडोज नहीं होती, ग्लासेस की विंडोज कच्चे हाउस में भी पॉसिबल नहीं है. तो ग्लास की विंडोज एंड जो आपके डोर्स हैं वो कहाँ होते हैं, पक्का हाउस. हाउ शुड वी कीप आवर हाउस, हमें अपने घर को कैसा रखना चाहिए, क्लीन, डर्टी, अनटाइडी. डर्टी गंदा रखना चाहिए, नहीं ना, अनटाइडी नो, हमें अपने घर को क्लीन एंड टाइडी रखना चाहिए. सो करेक्ट ऑप्शन इज क्लीन. नाउ एक्सरसाइज बी, राइट डाउन द कंप्लीट एड्रेस ऑफ योर हाउस, अपने घर का एड्रेस किस तरीके से लिखते हैं. यहाँ पर आप इजीली आप देख सकते हैं और आपको फिल करना है. देखिए सबसे पहले एड्रेस लिखने के लिए हम क्या करते हैं, अपना नाम लिखते हैं. राइट डाउन योर नेम फर्स्ट, यहाँ पर जो भी आपका नाम है वो यहाँ पर आप फिल करेंगे. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होती है, आपको लिखना है अपना हाउस नंबर. जैसे आपका नाम है मान लीजिए ऋतिक, तो आप सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर ऋतिक, और आपके घर का नंबर, जैसे यहाँ पर घर का नंबर है मान लीजिए आपका 210A, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 210A. अगर आप फ्लैट्स में रह रहे हैं और मल्टी स्टोरी होती हैं बिल्डिंग्स, तो उसमें फ्लोर 1, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, तो किस फ्लोर पर आप रह रहे हैं तो आप यहाँ फ्लोर मेंशन करेंगे. अगर आप फ्लोर्स, आपके घर का फ्लोर नहीं है तो आप इसमें मेंशन नहीं करेंगे. नेक्स्ट आपको लिखना है लेन और स्ट्रीट, किस जिस एरिया में आप रह रहे हैं उसका आपको जगह का नाम लिखना है. जैसे अगर आप मुरली विहार में रह रहे हैं तो यहाँ पर आप लिखेंगे मुरली विहार. गेंदालाल कॉलोनी है तो आप यहाँ पर लिखेंगे गेंदालाल कॉलोनी. इसी तरीके से जहाँ भी आप रह रहे हैं उस जगह का आप यहाँ पर नेम लिखेंगे. नेक्स्ट आपको लिखना है नेम ऑफ द कॉलोनी, यहाँ पर कॉलोनी का नेम आपको लिखना है. जहाँ भी जो भी आपकी कॉलोनी का नाम है, मानसरोवर कॉलोनी, तो यहाँ पर आप मानसरोवर कॉलोनी लिखेंगे. नेक्स्ट है आपका नेम ऑफ द सिटी, जैसे हम आगरा में रह रहे हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे आगरा. अगर आपका टाउन है तो आप टाउन का नेम लिखेंगे, विलेज है तो विलेज का लिखेंगे.
तो इसी तरीके से आप यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद हम फिल करेंगे स्टेट, किस कौन सा स्टेट है हमारा, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर आप लिखोगे उत्तर प्रदेश। देन द नेम ऑफ योर कंट्री, सबसे लास्ट में हम लिखते हैं कंट्री का नाम, इंडिया। ओके तो इस तरीके से आपको ये ब्लॉक्स जो हैं, ब्लैंक्स जो हैं, वो फिल करने हैं। नाउ एक्सरसाइज सी, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड गिवन बिलो। तो देखिए यहाँ पर आपको कुछ हेल्प बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं। अब यहाँ पर टू टाइप्स के हाउसेज हमने अभी चैप्टर में पढ़े, कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस। कच्चा हाउस किस किस चीज़ से मिलकर बनता है, पक्का हाउस में हम क्या क्या यूज़ करते हैं मटेरियल, तो वो यहाँ पर हमें चैप्टर में हमने पढ़ा। इस एक्सरसाइज को आप खुद से फिल कर सकते हैं। लाइक अ कच्चा हाउस इज मेड अप ऑफ, ब्रिक से बनता है क्या, नहीं ना। वेरी स्ट्रांग होता है, नो। स्टील, क्ले, लीव्स एंड स्ट्रॉ, तो किससे बनता है, लीव्स स्ट्रॉ, है ना। तो यहाँ पर आप लीव्स एंड स्ट्रॉ इसमें आप फिल करेंगे। नेक्स्ट, मोस्टली फाउंड इन, ज़्यादातर कहाँ देखने को मिलता है हमें, सिटीज़ और विलेजेस, विलेजेस में। तो हम आप यहाँ पर लिखेंगे मोस्टली फाउंड इन विलेजेस। ओके, एंड नॉट सो स्ट्रॉन्ग, तो कच्चा हाउसेज आर नॉट सो स्ट्रॉन्ग, तो यहाँ पर आप लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा पक्का हाउस। पक्का हाउस आर मेड अप ऑफ ब्रिक्स, स्टील, क्ले, सीमेंट, वो आप इसके अंदर फिल करेंगे। एंड मोस्टली फाउंड इन सिटीज एंड लास्ट आर वेरी स्ट्रॉन्ग, पक्का हाउसेज आर वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके, तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज आपको ए बी सी करनी है अपनी बुक में। और देखिए नेक्स्ट लास्ट एक्सरसाइज है आपकी एक्सरसाइज डी, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। वी लिव इन अ हाउस, हम घर में रहते हैं, बिकॉज, क्योंकि, क्यों रहते हैं हम घर में, हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही पढ़ा था। बिकॉज द हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, वाइल्ड एनिमल्स, है ना, तो वो आप इसमें फिल करेंगे। नेक्स्ट है आपका नंबर टू, अ हाउस हैज़ डोर्स फॉर, एक हाउस में डोर्स होते हैं, क्यों होते हैं, टू एंटर द हाउस, हाउस के अंदर एंटर करने के लिए। नेक्स्ट नंबर थ्री, अ हाउस हैज़ विंडोज, एक हाउस के अंदर विंडोज होते हैं, क्यों होते हैं, टू लेट द फ्रेश एयर इन साइड, तो अंदर फ्रेश एयर जा सके, टू प्रॉपर वेंटिलेशन। तो अ हाउस हैज़ विंडोज टू लेट द फ्रेश एयर इन साइड। और यहाँ पर आपको दिए हुए हैं एक्टिविटी एंड प्रोजेक्ट, काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी दी हुई है। सम पीपल लिव इन हाउसेज दैट कैन बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कुछ लोग ऐसे हाउसेज में रहते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो सकते हैं, ले जा सकते हैं। फाइंड द नेम ऑफ सच हाउसेज, आपको ऐसे हाउसेज के नेम फाइंड आउट करने हैं। और यहाँ पर आपको क्या करना है, एक सुंदर सी पिक्चर ड्रॉ करनी है। तो किस टाइप के हाउसेज को क्या बोलते हैं, दिस टाइप ऑफ हाउसेज आर कॉल्ड टेंट। तो यहाँ पर आप टेंट की पिक्चर आप ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो दिस वॉज योर चैप्टर, योर चैप्टर इज फिनिश्ड। ओके, तो एक बार आप कंप्लीट एक्सरसाइज अपनी बुक में फिनिश करेंगे। नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग स्टार्ट न्यू चैप्टर। टिल देन बाय बाय।